फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि लड़कियां ही क्यों गलत होती हैं। कुछ भी होता है लड़कियों के साथ तो गलती सिर्फ और सिर्फ उसमें लड़की की होती है। क्या ये सच है या नहीं है वो तो है ना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, फ्रीडम, आप एक फ्रीडम के साथ रहना चाहती है, वो अपने काम करती है, कहीं कुछ भी अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहती है, तो जो समाज है, जो हम लोग हैं जो हैं, वो इतने मतलब ऐसे बोल देते हैं कि यार वो तो बिगड़ी हुई है, वो तो ऐसी ऐसी। कैसे हम लोग बोल देते हैं, कैसे हम लोग जज कर लेते हैं कि वो लड़की ऐसी है? क्या हमें पता है, क्या हमें मालूम है कि क्या किस क्या सिचुएशन रही है, क्या सिचुएशन में वो कुछ काम करती है, क्या उसके घर में क्या पता कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए वो घर से बाहर जाती है? लेकिन नहीं, हमें तो बस ये कहना है कि वो लड़की ऐसी है, वो वैसी है। क्यों हम लड़कियों पर ब्लेम लगाते हैं? और आज मैं आज आपको एक चीज़ और बताती हूँ, एक बात और बताती हूँ, जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, मैं उस चीज़ के लिए आपको बताती हूँ कि जो औरतें होती हैं ना, वो औरतें एक लड़की की ज़िंदगी से मतलब एक लड़की की ज़िंदगी जी के वो औरत बनती है ना। पहले वो एक लड़की होती हैं, बाद में वो औरत बनती है। उन्हें इतने अच्छी तरह से पता होता है कि लड़की के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी एज में उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है उन्हें, और उनके साथ भी हुआ होता है। लेकिन जब वो औरत बन जाती हैं वो सब भूल जाती हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और वो ही एक लड़की पे ब्लेम करती हैं, वो ही एक लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं। देखिए, कोई भी इंसान मुझे लगता है तब तक बुरा नहीं होता जब तक वो आपका बुरा ना करे। आपके लिए बुरा वो इंसान है जो आपका बुरा कर रहा है, या फिर आप वो इंसान कुछ भी कर रहा है उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंसान गलत है, तो वो इंसान बुरा। लेकिन कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, वो अपनी सोच से अपनी समझ से कुछ भी कर रहा है, तो हम कैसे, हम कौन हुए उसको जज करने वाले कि वो गलत है सही है? आप कौन हुए, मैं कौन हुई? कोई भी इंसान अगर कोई फैसला लेता है तो वो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो फैसला लेता है, चाहे वो जॉब करने का हो, चाहे वो कोई काम करने का हो, कुछ भी हो। लेकिन हमें क्या है, हमें तो जज करना है, हमें तो बोलना है कि वो ऐसी है, वो गलत है, वो रात में बाहर जाती है, बिना उसकी सिचुएशन को देखे, बिना उसके क्या उस पर बीत रही है, क्या उसकी इस समय प्रॉब्लम है। नहीं, हमें वो प्रॉब्लम नहीं जाननी, हमें वो सिचुएशन नहीं देखनी, बस हमें बोलना है। जो ये लोग इंसान जो जज करते हैं या जो लोग ये बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी लाइफ क्यों नहीं देखते? आप अपनी लाइफ देखो, अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ में हमें क्या करना है, हमें वो देखना चाहिए, ना कि किसी दूसरे की लाइफ में। तो लड़कियों पे ब्लेम लगाना बंद करें। शॉर्ट्स पहने हैं, कुछ भी वो पहन के वो लड़की कॉलेज जा रही है या फिर कहीं पर वो बाहर घूमने जा रही है, बस ये लड़की ने वो कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, ये ऐसी है, ये वैसी है। हाँ, सबको ज़िंदगी जीने का मौका चाहिए, सब चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल में जिएं, हम एक अच्छा चल रहा है तो हर इंसान चाहता है कि यार मैं अच्छी लगूँ, मैं अच्छा दिखूँ, अपने पर ट्राई करते हैं, है ना। लड़कियाँ खुद पर ट्राई करती हैं, चलो मैं ये पहन के देख लेती हूँ, वो पहन के देख लेती हूँ, जैसा उन्हें अच्छा लगता है। उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउड करते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं बेटा पहनो, चलो जाओ, लेकिन नहीं, पेरेंट्स उनके दे रहे हैं, पैसा पेरेंट्स का खर्च हो रहा है, सब कुछ पेरेंट्स दे रहे हैं, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पेरेंट्स की है। लेकिन कुछ हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, जिनको कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलना है। देखिए, बोलने से, मैं ये नहीं कहती कि बोलने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अप चाहे वो लड़कों को देख, चाहे वो लड़कों को बता रहे हैं, चाहे हम किसी को भी ये बता रहे हैं कि लड़कियाँ गलत हैं, तो आप सोचिए उस चीज़ से कितना गलत, एक कहते हैं ना, कितनी गलत एक मैसेज पहुंचता है लड़कों पर भी। जो आपके लड़के हैं घर में, जो भाई हैं, बेटे हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये लड़की गलत है, ये लड़की गलत है, ऐसी लड़कियां गलत होती हैं। क्यों हम किसी को ऐसे करके बोलते हैं, है ना, नहीं बोलना चाहिए। लड़कियां गलत हैं ये बोलने से पहले 10 बार सोचें, तो किसी की ड्रेस से, किसी के बनावट से, किसी की एज से, किसी की शादी से, किसी की भी लाइफ में जो भी उनके चल रहा है उससे आपको तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको कोई उनसे प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ ये बातें कहना बंद कीजिए। जब आप कहते हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां सुनती हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों के कान में ये बातें पड़ती है और उन्हें हर्ट होता है, वो उन्हें भी ये लगता है कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ या मैंने ऐसा क्या कर दिया,
मैं तो सिर्फ एक कपड़े ही पहन रही हूँ, मैं तो सिर्फ जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ कुछ भी ऐसा इसमें गलत तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो उनके दिमाग में ऐसा लग आता है कि मैं क्या ऐसा गलत कर रही हूँ जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं या लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, रहना तो आखिर हमें समाज में, हमें समाज से तो अलग नहीं हो सकते ना, कि नहीं जी मुझे किससे मतलब नहीं है। भाई हमें सबसे मतलब रखना पड़ेगा, सबसे हमें मतलब रखना पड़ेगा, और सबसे हमें मतलब है भी, क्योंकि हमारा समाज है ना। तो यहाँ से हम, ऐसा नहीं है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, इसलिए शायद उनको बुरा लगता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।